नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खबर एसएस न्यूज। सपाक्स पार्टी ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पे किया प्रदर्शन। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए कैमरामैन विकास के साथ सऊद सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। किस उसमें आपने ये कर रही हैं, किस क्या मांगे हैं आपकी गवर्नमेंट से? एट्रोसिटी एक्ट में जो 2018 में जो संशोधन हुआ है उससे पूरे समाज की समरसता को बड़ी ठेस पहुँची। एक समाज दूसरे समाज में किस तरह से विद्वेष फैलाया जा सकता है, किस तरह से द्वेष फैलाया जा सकता है, किस तरह से ईर्ष्या फैलाई जा सकती है, किस तरह से दुर्भावनाएँ फैलाई जा सकती है, उसका एक प्रतीक है। और एट्रोसिटी एक्ट न केवल सवर्णों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए घातक है, अपितु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी घातक है, क्योंकि उनको जो रोजगार दिया जाता है वो अधिकांश लोग जो रोजगार देने वाले होते हैं वे सवर्ण होते हैं, पिछड़ी जाति के होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं और उनमें से भी होते हैं, परंतु ये जो विद्वेष की भावना जो फैलती जा रही है इससे उनके अनुसूचित जाति जनजाति के रोजगार के अवसरों पर बहुत बड़ा ठेस पहुँची है। सपाक्स पार्टी जो है वो सब में समरसता की बात करती है। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि हम सारे वर्गों में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की हिमायती है और इसी एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज उपवास कर रहे हैं।